मौजूद अराकीन, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو تو اس کے لیے اچھی بات پر عمل کرنا یا اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی خیرات اور صدقہ میں شامل ہے. कुछ नहीं मांगता शाहों से, ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। कुछ नहीं मांगता, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा।
कुछ नहीं मांगता। रहीम, ऐवान की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारी खुशकिस्मती है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मोहतरम इमाम हिज एक्सेलेंसी शेख साले मोहम्मद अल बदीर आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौमी असम्बली की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इमाम साहब, आज यहाँ आपकी मौजूदगी हम सब के लिए बेपनाह फ़खर और रूहानी इत्मीनान का बायस है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास मुकाम रखती है और हम सब को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश हैं। आपका दौरा हमारे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद सरजमीन के दरमियान गहरे रूहानी ताल्लुक के की अलामत है। हम आपकी हिकमत और रहनुमाई से मुस्तफीद होने के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक और अनाउंसमेंट करूंगा, उसके बाद जो भी ऑनरेबल मेम्बरान वेलकम करना चाहें। आप सब के इल्म है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीतता है बल्कि ओलंपिक की तारीख में सबसे लंबी जैवलिन थ्रो करने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। इस शानदार कामयाबी पर मैं अरशद नदीम को इस ऐवान की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि वह मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करते रहें। अरशद नदीम नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं जिसने सख्त मेहनत मजबूत कुव्वत इरादे के साथ नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरा ऐवान इनको खिराज तहसीन पेश करता है। जी लॉ मिनिस्टर साहब जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, आपने फ्लोर दिया हमारे नहायत ही वाजिब अदब मेहमान और इनको ये शर्फ हासिल है कि ये नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वहाँ पे ये हमारे
नमाज की बाकायदा लीड करते हैं, पूरे उम्मत मुस्लिमा जो है जो सरकार दो आलम के यहाँ जाके हाजिरी करती है, हमारे लिए मेहमान करामी जनाब शेख डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल बदीर, इनको हम लोग वेलकम करते हैं, इनको हम लोग खुशामदेद कहते हैं। यहाँ पे जनाब स्पीकर, जो सादत शेख साहब को हासिल है वो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनका एक ख्वाब होता है, और वहां पे ये सादत, मेरा ख्याल है ये अल्लाह का इन पे एक खसूसी करम है, वहां पे ये इमामत जो नमाजियों की करते हैं, पूरी दुनिया जहान के मुसलमान आन वहां पे जो ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, हम लोग इनको पाकिस्तान की सरजमीन पे खुशामदेद कहते हैं। कि पूरा हाउस, मेरा ख्याल है हाउस के इस जाने भी और इस जाने भी, और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर के जब भी बहसीयत एक गुनागार मस्जिद नबी में गया हूं, मैं शेख साहब का खसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन्होंने जब भी वहां पे जितने मुसलमान जाते हैं और जो मेहमान नवाजी होती है मस्जिद नबी में, जो इंतजाम हैं उस पे ये खराज तहसीन के सही मुस्तहिक हैं, और सऊदी गवर्नमेंट भी। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूं कि हमारे सऊदी एम्बेसडर जनाब नवाब बिन सईद अल मलकी साहब भी यहां पे मौजूद हैं, और जाती तौर पे मेरा मलकी साहब से बहुत दरीना एक साथ रहा है और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी खिदमात को भी पाकिस्तान के लिए और सऊदी गवर्नमेंट के साथ ये एक पुल और ब्रिज का एक रोल अदा कर रहे हैं और बेहतरीन तौर पे बात कर रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, थ्रू योर ऑफिस एंड योर चेयर आई वांट टू अप्रिशिएट द सर्विसेज दैट हैव बीन रेंडर्ड बाय हिज एक्सेलेंसी मिस्टर मलिकी साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एम्बेसडर फॉर ऑल यू हैव डन फॉर पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे एक मौजज़ रुकन जनाब हाजी चौधरी इम्तियाज़ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए। यहां पे मैं सिर्फ, क्योंकि हमारे मेहमानान करामी यहां पे मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप उसको कैंडी इन्फोर्स ज़रूर कीजिएगा। यहां पे मैं अपने नौजवान साथी और पाकिस्तान के प्राइड ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जनाब अरशद नदीम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान का सर 40 साल के बाद फख्र से बुलंद किया है, वो एक मशले राह है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, और मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर कि उनका सही मिसाली इस्तकबाल होना चाहिए जब इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान आएंगे, और नौजवान और जो हमारे जनाब स्पीकर जो हमारे नौजवानान हैं उनको देखना चाहिए कि मेहनत करें तो आप बुलंदियों पे जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ जनाब स्पीकर कि जब भी मेरी अपने महबूब लीडर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात होती है, वो हमेशा हमेशा उन्होंने सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात को सराहा है। खादमाने हरिमैन शरीफैन के रोल को उन्होंने हमेशा सराहा है, और कदर की निगाह से हम लोग देखते हैं जो रोल अदा किया है मुस्लिम पूरे मुसलमानों के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए जो सऊदी अरेबिया रोल अदा कर रहा है, हम लोग उसको अपोजिशन के जितने अराकीन हैं हम लोग उसको सराहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जी। मैं आई वुड आल्सो लाइक टू अप्रिशिएट आवर ब्रदर हिज एक्सेलेंसी नवाब बिन सईद अल मलकी, हु इज़ नॉट ओनली द एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया इन पाकिस्तान बट ही इज़ ऑल्सो द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन सऊदी अरेबिया, सो ही रिप्रजेंट बोथ कंट्रीज। जी ख्वाजा आसिफ साहब। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये हमारे लिए बायस बरकत भी है, बायस फ़ख्र भी है कि डॉक्टर सलाल बुदेर एक्सलेंसी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम आज इस हाउस में मौजूद हैं, हमारे लिए शर्फ का बायस है। हम उनको खुश आमदेद करते हैं और उनकी आज यहाँ कुरान करीम की तलावत जो है वो हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे सेवान के लिए बायस बरकत इंशाल्लाह साबित होगी। मैं एक्सलेंसी नवाफर मालिकी माई डियर ब्रदर एंड ए ग्रेट एज यू वेरी राइटली सेड दैट ही इज नॉट ओनली एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू पाकिस्तान, ही इज पाकिस्तान एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। आई वेलकम द मेम्बर्स ऑफ द सऊदी डेलीगेशन। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस दैट देयर प्रेजेंस इज मोस्ट वेलकम। जनाबे स्पीकर, मैं इसके साथ पाकिस्तान के लिए आज एक फ़ख्र का दिन है कि कल रात पेरिस के अंदर एक नौजवान पाकिस्तानी ने, अर्श नदीम ने, अपनी कौम का सर बुलंद किया और तीन दहाइयों के वक्फे के बाद जो है पाकिस्तान को जो है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। और जिस तरह बेसरो सामानी में हमारे स्पोर्ट्स के हीरोज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हमारी तमाम स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ओलंपिक्स की भी जो तंजीम है पाकिस्तान की बशमूल उसके, उसमें जो शख्स बैठ जाता है फिर बैठ ही जाता है और कोई पेटर्नाइजेशन जो है हुकूमत की तरफ से हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिलती, सिवाय पीसीबी के जो एक फाल अदारा है और वो क्रिकेट को पेटर्नाइज करता है। आप फुटबॉल ले लें, आप हॉकी ले लें, हम सियासतदान जो यहाँ पे साउथ में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, ओलंपिक्स एसोसिएशन हो जाए, मेरा ख्याल है कि हम टीनेजर थे जब ओलंपिक के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के वो सदर बने थे। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो अभी तक उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चेंज हो गए। मुबारक हो सारी कौम को कि चेंज हो गए, मुबारक हो सारी कौम को। यानी इन उनको भी कोई मेडल शेडल दे दें कि उन्होंने एक जान छोड़ दी है कौम की। जनाब कई हुक्मरान आगे चले गए, कई असेंबलियां आगे चली गई लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन की और फिर उसकी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनी। आप किसी भी गेम की या स्पोर्ट्स की जो है ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें, उसका कोई वजूद नहीं है। हॉकी में भी दस्तों गरेबान हो रहे हैं, आप दुआ करें ये एक दूसरे को हाकियाँ ना मारें, जो हॉकी का हाल है जो है। फुटबॉल जो है वो वहाँ से पैसे आते हैं, स्टेडियम बनाए नहीं जाते, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है जी सैलाब आया था स्टेडियम रुड़ गया है। ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत का नहीं, इस ऐवान का भी फ़र्ज है। हुकूमत का तो अव्वलीन फ़र्ज है कि कम अज़ कम हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सियासत से पाक हों और जो वहाँ पे ज़्यारतें बैठी हुई हैं उन ज़्यारतों से जान छूट जाए। अगर जिस तरह हाउस में बताया गया कि ख़त्म हो गया है दौरा जो है जो ओलंपिक्स के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी थे, तो मैं समझता हूँ कि कौम उनकी बड़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने जान छोड़ दी ओलंपिक एसोसिएशन की। वो माल है ना बला जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया। मैं अपना ऑनरेबल कॉलीग्स को जॉइन करना चाहूँगा। पहले हमारा मेहमान एक खसूसी को वेलकम करके वेलकम भी करता हूँ, जिसने तलावत के साथ इस इजलास का शुरुआत किया। काबिल एहतराम इमाम साहब मस्जिद नबी का, और मेरा दोस्त मेरा भाई जो सफ़ीर है सऊदी अरेबिया का, जिसके साथ मैंने बड़ा काम किया पिछली हुकूमत में, इसको भी हम वेलकम करते हैं। और साथ साथ इस पूरा हाउस के साथ हमारा पूरे कौम और अवाम की तरफ से मैं अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फख्र करते हैं कि जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, जैसे आपने कहा कि इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है, और इस पे हम सब फख्र भी करते हैं। और ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान के नौजवान को जब मौका दिया जाता है तो वो कामयाब होके फतह होके वापस आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, लाइक टू जॉइन ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन कंग्रेचुलेटिंग अरशद नदीम साहब। और मैं जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात, जहाँ हमारा स्पॉन्सरशिप पेट्रनेज इन एथलीट्स का साथ देना, इस बात पे मेरा ख्याल में इस हाउस का कंसेंसस होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे जो पाकिस्तान भर में इतने सलाहियत रखते हैं कि वो ना सिर्फ ओलंपिक्स, ना सिर्फ क्रिकेट, मगर हमें तो फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत के लेकर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इनके साथ दें। जनाब स्पीकर, हमारा कराची का लियारी का इलाका है, जहां वहां का हर दूसरा बच्चा, मैं आपको बताऊं, फीफा का वर्ल्ड कप जीत के वापस लेकर आ सकता। मैं 2-3 हफ्ता पहले पिशावर में था, वहां मैं कुछ लड़कियों से मिली जो टीआई खान से टाइक्वांडो करके ब्लैक बेल्ट हासिल करके पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए वो मेडल्स लेकर आ रहे हैं। इस किस्म के मिसाइल आपको पाकिस्तान भर में मिलेंगे, मगर अफसोस के साथ ना वफाकी हुकूमत ने ना सूबाई हुकूमत ने उनके साथ वैसे दिया जैसे हमें देना चाहिए। और हमें ये तय करना चाहिए कि अगला ओलंपिक्स में पाकिस्तान एक नहीं हर सूबा मेडल्स जीत के वापस आएंगे। और मैं वफाक का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम सूबे के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के हर सूबा का एक एंडाउमेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाए, और उस एंडाउमेंट फंड में वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से हम कुछ फंड्स रखें, ताकि हम ना सिर्फ हमारे वो बच्चे को तलाश कर सकते हैं, इनका ट्रेनिंग कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगला ओलंपिक्स में एक नहीं चारों सूबों से हम अरशद नदीम पैदा करके वापस लेकर आएंगे। मैं जानता हूं जनाब स्पीकर कि टाइम कम है, और ऐसे एक दो इश्यूज है जिस पे मैंने समझा कि ज़रूरी है कि हम बात करें। पाकिस्तान में जितना अपॉर्चुनिटी है, जितना हमारे नौजवानों में टैलेंट है, हमारा लेबरर्स ने जितना स्किल्स है, जिस तरीके से इन्होंने मिडल ईस्ट को एक रेगिस्तान से बड़े बड़े शहरों में तब्दील कर दिए हैं, जैसे पाकिस्तान में हर रिसोर्स मुमकिन है। हमारे पास एक ऐसा मुल्क है के पहाड़ों से लेके साहिल तक अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इस मुल्क का तारीख कुछ ऐसा है कि ये जो शहर बना है,
ये सिर्फ इसलिए बना है कि मुल्क मुल्क के अवाम की खिदमत किया जाए। इस शहर का ना कोई तारीख है इसके अलावा, ना कोई वजह था, ना कोई बुनियाद है। ये बना इसलिए कि हमने इस मुल्क का कैपिटल बनाना था और यहाँ बैठ के हमने इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने थे। ये बड़े बड़े इदारे, ये बड़े बड़े इमारतें, दैट हाउस द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री, इस शहर में जो सबसे ताकतवर है, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का पूरा बटालियन मौजूद है, सारे मुल्क के सियासतदान हैं, बाकी जो ताकतवर लोग हैं सब इसी शहर में हैं। मगर अफसोस के साथ कि जब से ये शहर बना, जब से इस मुल्क में हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, हम जिस काम के लिए हम इधर आते हैं वो हम पूरा नहीं करते। हम यहां पहुंच के साजिश शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना को तरजीह देते हैं, कभी एक तहाई में सियासतदानों की लड़ाई के नतीजे में नुकसान होता है, किसी दूसरा तहाई में जनरलों की एडवेंचरिज्म की वजह से कोई कू हो जाता है और हम सब का नुकसान हो जाता है। और आजकल जो मुल्क में नफरत की सियासत रूज पर है, जिस किस्म की तकसीम हमारे सियासत में आज मौजूद है, शायद हमारा तारीख में ऐसे हमने कभी नहीं देखा। और इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुरबत से तंग हैं, हम नहीं सही ना सही तरीके उनका मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से मुल्क के चारों कोने में लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल मुश्किल होता जा रहा है, हम वो मिनिमम बैक कंसेंसस इस हाउस में पैदा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने अपने मुल्क का तहफ्फुज़ करना है, दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, अपने अवाम को अमन दिलवाना है, तो क्या करना चाहिए। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है, और हमें कहीं न कहीं कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपना लड़ाइयां लड़ते रहें मगर सियासत के दायरे में रह के। और जब एक तरफ सियासत है, वहाँ हमारा जिम्मेदारी है कि हम मिल के जो मुश्किलात को हम इस वक्त का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको एक हल निकालें। मैं एक एग्जांपल साइड करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, कि हर पाकिस्तानी के लिए, ख़ास तर जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं, वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखे जो एहतजाज वहां शुरू हुआ, वो उनका फौज में जो शहीद हुए थे उनके कोटा के ऊपर एहतजाज, फौज में उनके जो जंग था उसमें उनके शहीदों के कोटा के ऊपर, कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में शेख हसीना वाजिद ने खत्म की थी खुद, और उनके अदालत ने बहाल कर दी। तो एहतजाज शुरू हुआ, एहतजाज रुक ना सका, और उसमें पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा फतह हासिल करके इलेक्शन जीती थी, ओहदा छोड़ना पड़ी। तो पूरी रीजन को इन इवेंट्स को देख के ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अवाम के असल मसाइल की तरफ तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान के जो हालात है वो कोई ऐसे हैं जनाब स्पीकर, कि कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है।
इस वक्त जो मैं जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमने अपना जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है, मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रखत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं, और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारा जुडिशरी इतना जबरदस्त है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े बड़े सानिया हुए हैं। मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें, चूंकि आज तक इंसाफ का मुंतजर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं कि हमें तीन नस्लों का जिद्दोजहद लड़ना पड़ा, 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हमारे जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़े अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आते है जनाब स्पीकर, तो आईन और कानून पत्नी कहीं कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आईन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में आप इसके नतीजे में जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें,
वो वाइंड अप करें, आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं, काम डाउन काम डाउन। कायदे इज़ इख्तलाफ साहब, मैं बोलने तो दे, तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखे। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया, और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखे, वाइंड अप कर रहे हैं, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखे, वाइंड अप कर नहीं जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको एन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया, और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है ये कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें, बैठ जा, बैठ जा भाई, बैठ जा। अब कहा जा रहा है जी, वाइंड अप कर रहे हैं, तशरीफ रखे, वाइंड अप जा रहा है। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि इनको, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें, जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर, ये तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, जब तक ये बिलाव साहब वाइंड अप कर रहे हैं, आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, तशरीफ रखे, वाइंड अप, जब तक ये मुल्क जमहूरी अंदाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله
जी बिलावल साहब, अब नमाज का भी वक्त है, काइंडली। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें। जब तक ये मुल्क आइन कानून और जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएगा, जब तक अपने इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जिस मकसद के लिए ये शहर ये इदारे हम सब यहाँ बैठे हैं, वो हम उस पर हम उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फंक्शन नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ तक इलेक्शन के दौरान सियासत की जो गर्मो गर्मी है इस पॉइंट तक लेकर आ जाते हैं कि नफ़रत और तकसीम की सियासत नज़र आ रहा है, आज मेरा आप सब से इतना ही दरख्वास्त है कि जब मुल्क के ऐसे इश्यूज़, चाहे वो मुआशी हो चाहे वो दहशतगर्दी से ताल्लुक हो, उस पे हम एक दूसरे के साथ बात करने का, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इंगेज करने का, इस हाउस का मकसद ही ये, इसका ये नहीं मतलब कि हम दोस्त है या साथी है या हमने अपने मंशूर से कोई हट के काम किया है, लेकिन अगर हमारा मशवरा होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे, तो चाह हम अपने मुआशी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो या इस हाउस का, हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो मैं 100% इस बात पे यकीन करता हूँ कि हम में इतना सलाहियत है कि हम बेयर मिनिमम कंसेंसस बना के इस शहर को, हमारा सियासत को जो इस वक्त डिसफंक्शनल बन चुका है, उसको फंक्शनल बना सकेंगे। थैंक यू जनाब। मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना साहब को बात कर रहे हैं, मौलाना साहब को बात करने दें, नहीं ये अभी करते हैं, प्लीज़ ये करने दें, मौलाना साहब हैं, मुस्तफा कमाल साहब हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखें, करने दें बात कर, एक मिनट बात करने ना जी, मौलाना साहब मुस्तफा कमाल साहब ने बात जी, उमर अयूब साहब जी। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर मैं हाउस के तकाजों को जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमानान करामी इस्टीम्ड गेस्ट आए हुए हैं, बहसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन मेरे पास बहुत बात है, महंगाई से, रूल ऑफ लॉ के बारे से, वजीर आजम इमरान खान की अनलॉफुल अरेस्ट के हवाले से, सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा था, पर हमारे इस्टीम्ड गेस्ट हैं, बात होती है टू द पॉइंट, बात होती है ऑनरिंग आर गेस्ट, वो बात होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी बावजूद इसके कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, उसने जो लंबी तमीद बांधी है, मेरा ख्याल है किसी परेड ग्राउंड में उसे कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी, आके उसने यहाँ पे तकरीर झाड़ दी है जी। मौलाना फजल रहमान साहब, उमर साहब हमें नमाज के लिए ब्रेक करनी पड़ जाएगी जी, करें उमर साहब। जनाब स्पीकर इंसान मतलब की बात करता है, हमारे पास मैं एक बार फिर शेख साहब डॉक्टर साले मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालकी साहब आए हुए हैं, वी वांट टू ऑनर देम, ये हमारी सियासत होती रहेगी जी, हम लोग इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब जी। मौलाना फजल रहमान साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अरहब मिन अअमाक़ क़ल्बी अहर्रत तरहीब लिद्दैफ़िल मुकर्रम अद्दक्तूर फ़ज़ीलतुश शेख सालिह अल-बुदैर والوفد المرافق معه ومعالي السيد السفير نواف المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ
نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون ومجلس الشورى. نسأل الله عز وجل أن يجعل قدومكم المبارك سبباً لتزويد العلاقات بين البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية. جناب سپیکر، ہماری کچھ روایات ہیں اور معزز مہمان اس پارلیمنٹ میں میں نے بہت اکابرین کو دیکھا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یاسر عرفات تشریف لائے، یہاں پر طیب اردگان نے خطاب کیا، دوسرے بین الاقوامی زعماء یہاں تشریف لائے، غالباً یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت میں حرم مکی کے امام ماہر العقیلی تشریف لائے تھے، اور آج حرم نبوی مسجد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہمارے امام ہیں. ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اپنے داخلی سیاسی معاملات کو اہمیت نہیں دینے چاہیے، بلکہ مہمان مکرم ہمیں سعودی عرب کی دوستی، ان کا تعلق، حرمین شریفین کا احترام، اس کی فضیلت اور مسلمانوں کے وحدت کی علامت، اس پر اس اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے. دونوں ملکوں کے تعلقات ہر شعبے میں باہمی تعاون، بقائے باہمی کا شعور، اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج مہمان مکرم کی یہاں پر تشریف آوری یہ مملکت سعودی عربیہ اور پاکستان کے بہتر تعلقات کو مزید تقویت دینے کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بین الاقوامی برادری میں سعودی عرب کو سب سے پہلا دوست سمجھتے ہیں اسلامی دنیا کا، اس کو یہ حق دیتے ہیں ہم کہ وہ اسلامی دنیا کی قیادت کرے، وہ اسلامی دنیا کے مسائل میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرے. آج اگر مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، چاہے آج غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب مل کر یہ دونوں ان مسائل کو عالمی سطح پر اٹھانے، اسلامی دنیا میں اٹھانے، اور سعودی عرب میں خود یہ قوت موجود ہے کہ وہ عرب لیگ کی فورم پر ان مسائل کو اٹھائیں تاکہ ان کے حل کے لیے ہم راستہ نکالیں اور مسلمانوں کے پرامن مستقبل کے لیے ہم سوچیں. یہ ہم سب کے مسائل ہیں. میں اس حوالے سے کسی قسم کی اپنے داخلی معاملات اور سیاسی معاملات پر آج گفتگو کرنے سے گریز کروں گا. یہ پارلیمنٹ ہیں، یہ ہم ہیں، تو یہ باتیں بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، یہ بحث بھی ہے، یہ تنقید بھی ہے، جواب تنقید بھی ہے، غزل بھی ہوگی، جواب غزل بھی ہوگا، سب چلتا رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہیں جاتے کوئی مسائل. لیکن یقیناً ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا، تو جو میں بس عرض احترام کرنا چاہوں گا، جو ماحول اس وقت اس ایوان میں پیدا ہوا، میں بحیثیت اس ایوان کے ایک ممبر کے اپنے معزز مہمان اور ان کے وفد سے معذرت کرتا ہوں. ساتھ ساتھ میں اپنے ہونہار ارشد ندیم کی گولڈ میڈل جیتنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس نے پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اور خدا کرے ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی اسی طرح کے سپوت پیدا ہوتے رہیں، تاکہ ہر محاذ پر وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند ہو. یقیناً ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو زائل کرنا ظاہر دنیا سے کوئی نہیں آئے گا، ہم نے خود مل بیٹھ کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے.
अपने आप को ताकतवर बनाना है और पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामजन करना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। और मैं एक बार फिर मेहमान मोहतरम को खुशामदीद कहता हूँ, उनके वफद को खुशामदीद कहता हूँ और माली सफ़ीर को इस ऐवान में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। मुस्तफ़ा कमाल सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनाब स्पीकर अपने तमाम कुलीग्स के साथ साथ अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से और इस वक्त मौजूद इस ऐवान में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम और उनके साथ आए हुए वफ्द और जो हमारे एम्बेसडर हैं सबके हरदिल अज़ीज़ यहाँ पे सऊदी अरब के, उनको खुश आमदीद भी कहते हैं और उनके उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी। जनाब स्पीकर, इस ये एक ऐसी जगह से इनका इनको अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है कि जहाँ पर इनके उस ओहदे, इनकी इस ज़िम्मेदारी पर एक आम मुसलमान को रश्क करना चाहिए, रश्क आता है। किस्मत वाले लोग हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला है, जो नमाज की जगह है, वो किसी इंसान की अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से नहीं हासिल की जा सकती। जिस पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हो, जिस पर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा एहसान हो, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हों, अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्हीं को इनायत करता है। और ये उन खुश नसीबों में से एक हैं बहसियत मुसलमान। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, हम इनसे दुआ की अपील करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में अपने कदम को रखा। अल्लाह ताला इनके इस आने से यहाँ पर हम पर आसानियाँ फरमाए, हमें हमारी हमारे लिए मामलात इस मुल्क के में आम मुसलमानों के, आम इंसानों के मामलात को आसान फरमाए। तो हम दिल की गहराइयों से इमाम साहब का, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक हमारे बहुत हरदिल अज़ीज़ एम्बेसडर साहब सऊदी अरब के, हिज एक्सेलेंसी इनका ताल्लुक है, मैं दो हवालों से इस मौके पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक तो पाकिस्तान को जब जब भी ज़रूरत पड़ी मुश्किलात में, तो जैसा मौलाना साहब ने फरमाया कि सऊदी अरब हमारा पहला दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में काम आता रहा है और आज भी आ रहा है। और हमारे एम्बेसडर साहब ने इसमें बजा फरमाया किसी ने कि ये सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से एम्बेसडर नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं सऊदी अरब को, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात कि हालिया जो हज, आखिरी जो हज हुआ है और उस पर जो इंतज़ाम हुए हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी जिस तरह से गए और उन्होंने आकर उसकी तारीफ़ें की, उसके बारे में बताया, उसकी फैसिलिटीज़ को इन्हांस किया गया है, इस हवाले से भी मैं एम्बेसडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये हर साल के गुजरने के साथ साथ हज की फैसिलिटीज़ में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, अच्छाइयाँ आती चली जा रही हैं, मुश्किल कम होती चली जा रही हैं और हाजी जो है वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, बहुत सारी जैसा कि सब लोगों ने बात की बातें हैं, लेकिन यकीनन मैं अपनी सारी बात को इसी बात पर कन्फाइन करूंगा और इससे आगे की कोई बात नहीं करूंगा, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत मौका है। दो बातें लेकिन ज़रूर मैं कहना चाहूंगा। अरशद नदीम साहब जो हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, हमारा फ़ख्र है, सब लोग तारीफ़ें करेंगे, यकीनन हम भी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला उनको और पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतने की तौफीक दे, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया एक बात के, या तो हम एज अ कौम कोई अनटैलेंटेड कौम होते तो सब्र कर लेते, जहाँ टैलेंट इतना है कि ज़रा सा मौका मिले खुद से बंदा निकलता है जाके वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है, वहाँ पर अगर हम उस टैलेंट को
हार्बर करें, उसको नर्चर करें, उसको अपनी बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करें, बहुत छोटी इन चीज़ों पर। कोई बहुत बड़ा, अगर जो पाकिस्तान में करप्शन का लेवल है, जो चीज़ें हैं, उसका अगर हम 2% भी इस पर खर्च करें तो हर शोबे में हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियन हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्र है। हमारी जो तंजीमें हैं स्पोर्ट्स की, आपस में लड़ती हैं, अजीब सी खबर आती है। तो ये पाकिस्तान के लिए जहाँ पर खुशी का मौका है, एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत एक सोचने का भी मकाम है कि वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें, हम और अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। आखिरी बात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तजवीज़ रखी है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ उस वाली बात पर, आखिरी बात पर, कि हमारे सारे इख्तलाफात अपनी जगह होने चाहिए, हैं, हमारा अपना अपना नज़रिया है, हमारा अपना एजेंडा है। किसी एक पॉइंट पर हमें ज़रूर इस ऐवान में कि जो इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जो इस मुल्क के सबके इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे कम से कम हम अपनी तलखियों को इतना ज़्यादा ना पैदा करें कि हम आपस में बात करने के भी, मशवरा करने के भी काबिल ना रहें। इस ऐवान को कम से कम अपनी तलखियों को सारी बाहर रख कर, जो यहाँ पर हमें मुल्क के 24 करोड़ लोगों के लिए जो फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, अगर हुकूमत को अकेले छोड़ देंगे उस फैसले करने पे, नहीं कर पाएगी, देर लगाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म होना, उसको ये डर होगा। अगर हम सब बैठकर उस हुकूमत को, चाहे वो किसी की आज इनकी हुकूमत है, कल उनकी हुकूमत हो सकती है, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, ये सबको पता है कि किसी एक की कोई नहीं रही कभी। इस बात पर मैं इस तजवीज़ की हिमायत करता हूँ कि कम से कम इस ऐवान में हमें जो है वो आपस में ऐसा माहौल, कोई 4-5-6 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि जिसके ऊपर जो कि नेशनल इश्यूज हो, और उस नेशनल इश्यूज के ऊपर हम कंसेंसस पैदा करके उसके लिए कोई राह निकालें, ताकि 24 करोड़ लोगों का फायदा हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेलीगेशन में जाना है तो इसलिए हम मुख्तसर हैं। महमूद खान चकजई साहब, महमूद खान चकजई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम का एक अंधा पैरकार होने की हैसियत से मैं पहले तो जनाब सऊदी अरब के सफ़ीर और उनके साथ आए हुए मस्जिद नबी के इमाम और उनके वफ्द का इंतहाई एहतराम के साथ खुश आमदीद कहता हूँ उनको। ये उनकी अपनी सरजमीन है, अपने घर आए हैं। जनाब स्पीकर, चाहे कोई कुछ कहे, आले सऊद, मक्का मुकर्रमा के हुक्मरान इस्लामी दुनिया के इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम पाकिस्तान के सही लोगों की तरफ से जनाब मोहतरम उनके सलमान प्रिंस को मुबारकबाद की पेश करता हूँ कि उन्होंने सऊदी और ईरान के दरमियान जो गैप थी, जो दूरियाँ थी, उस पर कोशिश की है, उसको नज़दीक लाने की कोशिश की है। ये तमाम आलम इस्लाम पे उनका एहसान होगा। दे शुड प्रोसीड ऑन द सेम लाइन। जनाब जिस तरह हमारा मुल्क मुश्किलात में है, माफ़ी चाहता हूँ, इसी तरह अगरचे इस्लामी ममालिक 50 से भी ज़्यादा हैं, हमारी मुश्किलात, हमारी कमज़ोरियाँ उससे भी ज़्यादा हैं। इस्लाम के लघवी मान हैं टू सरेंडर बिफोर द विल ऑफ अल्लाह। क्या हम इस स्पिरिट के साथ हैं, या जो आज तिलावत फरमाई इमाम साहब ने, वातसिमु बिहब्लिल्लाही जमीया, क्या हमने वाकई इसको मजबूती से पकड़ा है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सफ़ीर साहब की इनके वफ्द की तरफ से कि ज़्यादा सलमान को हमारी तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट करें। बहुत मुश्किल में है, दे कैन डू इट। इस्लाम को इस नज़दीक लाएं। हम इतने कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं फाइनेंशियली, हमारे पास दुनिया खरबों के डॉलर है, हमारे पास अफवाज तकरीबन पता नहीं 60-70 लाख से भी ऊपर हमारी अफवाज है, टैंक हैं या वो जहाज़ हैं, लेकिन हमारे में वो इतिहाद और इतफाक़ नहीं है जो वातसिमु बिहब्लिल्लाह का हुक्म है। जनाब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, खुदा बुजुर्गों बरतर हम पे रहम फरमाए, कि हमने बहैसियत मुसलमान
अब तक कलेक्टिवली ये ऐलान नहीं किया कि यह तन्हाऊ जंगी मुजरम है, वो कातिल है फ़लस्तीनियों का, उसने फ़लस्तीन के सैकड़ों माओं बच्चों को कत्ल किया है। वी शुड परसू हिम। बेसती मुसलमान, तुर्की ने आज फैसला किया है कि दे आर जॉइनिंग साउथ अफ्रीका रेजोल्यूशन। इस्लाम की तरफ से, हम सब की तरफ से, कम से कम जिस तरह जंग अजीम के बाद वो मशहूर वो अदालत बनी थी, ये तन्हाऊ बिल्कुल तमाम इस्लाम की तरफ से ये फैसला होना चाहिए कि यह आदमी जंगी मुजरम है। ही शुड बी ट्राइड इन द जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल जस्टिस। ही मस्ट बी। हम ये भी नहीं कर सकते। इसमें जनाब स्पीकर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब सलमान की जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह उन्होंने कोशिश की है ईरान के साथ नज़दीक होने की, दे शुड लीड, दे शुड गेट इस्लाम टुगेदर। बहुत बड़ी ताकत है, पैसा भी है, ताकत भी है, इरादा भी है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं। वह तस्म बिहबल्ला की रस्सी पकड़ लें और तोहबत नसूह करनी पड़ेगी हम सबको। अस्तग़फिरुल्लाह, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। मैं एक दो अनाउंसमेंट करके एक रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं आप रिगार्डिंग हमारे ओलंपिक के। एक तो हमारे पास 270 बच्चे जो मास्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं नेशनल असम्बली में और पिप्स में, वो तशरीफ़ रखते हैं, और 70 यंग सिटीजन्स हैं जो तशरीफ़ रखते हैं, वी वेलकम दैम। जी लॉ मिनिस्टर साहब। स्पीकर, आज यकीनन एक बड़ा खूबसूरत दिन है जी इस सहवान के लिए कि हमारे दरमियान मौजूद हैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद के इमाम, और वो तशरीफ़ लाए हैं। सारे ऐवान ने उनको खुशामदेद कहा। हमारे दोस्त, हमारे भाई सऊदी अरब के सफ़ीर हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इस खुशी को दुबला कर दिया पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम ने, जिसने कि ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है। सो सारी जमातों ने, तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स ने यह तजवीज़ दी थी कि आज ये ऐवान करारदाद के ज़रिए पाकिस्तान के इस फर्जंद को खराज तहसीन पेश करे। तो जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से मैं करारदाद पेश करता हूँ। जी ये ऐवान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। यह ऐवान याद दिलाता है कि मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले 27 साल अरशद नदीम ने अपनी बुलंद अज़मी, अनथक मेहनत और खलूस नीयत से साबित किया कि वसाइल की कमी और राह की दुश्वारियाँ वतन के बेटों और बेटियों का रास्ता नहीं रोक सकती। ये ऐवान अरशद नदीम की सबका कारकर्दगी को भी तहसीन की निगाह से देखता है, जो कबलजी कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स और साक गेम्स में भी सोने के तमगे जीत चुके हैं। ये ऐवान हकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात वहाँ पहुँचाए। Now I put the resolution to the house. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. In exercise of powers conferred by clause 1 of article 54 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the national assembly session summoned on Tuesday 30th July 2024 on conclusion of the business signed by President Asif Zardari.